हमारा डाला थोड़ा इधर से दब गया है, मतलब भैंस जो इतनी वजन थी चढ़ी ना, तो हमारा पूरा डाला ये यार। तो भाई ये आ गई अपनी मंडी भाई, नवीन मंडी स्थल है भाई। देखो ये सब बाहर फल भी निकल रहे हैं यहाँ से, और ये देखो एकदम सुनसान है ये समझ लो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग यार, सब अब अच्छे से हो गए यार, बढ़िया से हो गए। काफी दिन हो गया मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था, और जो हमारे कुवैत सऊदी वाले भाई हैं वो भी सोच रहे होंगे सुलेमान भाई ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड करते हैं। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी ले ली है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ठीक है भाई। चलिए आपको थोड़ा सा अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। लुक, ये अपनी नई गाड़ी बनवाया हूँ, मतलब जो डाला है यही जो है हमने लिया है भाई, और अब इसी में मेहनत करना है। तो दोस्तों ये पूरी गाड़ी देख सकते हो अपनी, जो एकदम जबरदस्त बन के आई है, पूरा लुक देख सकते हो, ठीक है भाई। देख लो भाई, महिंद्रा वालों की है और एक नंबर गाड़ी है। तो हमने सोचा यार अपनी गाड़ी ले लेते हैं, और अपनी गाड़ी ले ली है और अब चलाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिएगा भाई। और अभी हम जा रहे थे भैंसा मंडी यहाँ से, तो निकलते हैं भैंसा मंडी लोडिंग के लिए, और चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यार दोस्तों फाइनली अपने जो असलम भाई गाड़ी लेके निकल चुके हैं, हमारे भाई हमारे उस्ताद जी, अरे उस्ताद कह लो कुछ कह लो यार, हमारे भाई हैं। और ये देखो इधर का नज़ारा देखो, एक नंबर है भाई, ये गोमती रिवर है समझ रहे हो, तो उसी का साइड का ये व्यू है कुछ इस तरह का। और भाई ये इधर सामने देख रहे हो पूरा काम चल रहा है LDA वालों का, और ये लखनऊ में नया बंधा बन रहा है जो कि बाईपास से बन रहा है, मतलब जो IIM वाला बाईपास है तो वहीं से इसको बनाया जा रहा है। तो ये रोड काफ़ी चौड़ा काफ़ी अच्छा होने वाला है, आप लोग रोड का पूरा सीन व्यू देख सकते हो, काफ़ी चौड़ा है। इसको जो है कूड़िया घाट से डायरेक्ट मिला दिया जाएगा, इधर का पूरा व्यू देख सकते हो। आप लोग को लग रहा होगा गांव है, लेकिन ये गांव नहीं है, साइड में कुछ लोग अभी भी खेती लखनऊ में करते हैं। तो चलो भाई निकलते हैं अपना यहाँ पर, और अपने उस्ताद जी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर, तो निकलते हैं हम यहाँ से। तो भाई फाइनली जो है हम भैंस मंडी पहुंच चुके हैं, ये हरदोई रोड है सामने वाला, इस पुल के उस पार भैंस मंडी लगती है, लेकिन वहां पे यार गाड़ी जो है ना खड़ी नहीं करने दे रहे एकदम, ये समझ लो बोल रहे हैं गाड़ी यहां से ले जाओ, और यहां पे 2 बजे के बाद भाड़ा निकलता है, मतलब लेकिन बहुत लंबा भाड़ा निकलता है, मतलब ज़्यादा पैसे वाला, समझ रहे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग इसमें हो जाती है। लेकिन अभी हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सुबह के तकरीबन 7:30-8 बजे हैं, ठीक है। तो हम हो सकता है दुबग्गा मंडी जाएं, तो अभी देख सकते हो यार अपनी गाड़ी अड़ी खड़ी है, अपने भाई अंदर ही बैठे हैं, ये कुछ यहाँ का सीन चेक कर सकते हो यार भाई, और वही अपना बता दिया मंडी उधर लगती है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही काम करेंगे, मतलब यहाँ पर या तो थोड़ा वेट करेंगे या तो दुबग्गा मंडी अंडी निकल जाएंगे, क्योंकि समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए भाई, समझ। तो भाई हम लोग वापस आ गए, तो ये अपना सामना लल्ला बिरयानी वाला है, अपना यहाँ बिरयानी खा सकते हो, ये मछली मंडी के गेट के एकदम सामने है भाई हरदोई रोड पे, और ये अपनी बिरयानी रखी है, ये असलम भाई बिरयानी, मतलब सुबह सुबह का नाश्ता जो है बिरयानी से हो रहा है, ये समझ लीजिए भाई साहब को, देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से खा रहे हो, बोटियाँ काफ़ी बड़ी हैं और चिकन बिरयानी है भाई लोग। तो भाई हम भी जो है खा पी लेते हैं बिरयानी, और जो अभी यहाँ से जो खा के निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि वो जो मंडी थी ना भैंस वाली, बताया था आप लोग को 2 बजे के बाद लगती है, ठीक है भाई। तो अभी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, देखते हैं कहीं और, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना जैसा कि आप लोग को बताया था। तो भाई बिरयानी काफ़ी ज़बरदस्त है, बोटियाँ अंदर छुपा दी क्या, हाँ लग रहा अंदर छुपा दी। चलिए ठीक है दोस्तों, नाश्ता वास्ता कर ले। तो भाई फाइनली हम लोग वापस आ गए, मतलब जा रहे हैं गल्ला मंडी, क्योंकि भाई वहाँ पे अभी टाइम हुआ नहीं था, भैंस मंडी का टाइम है 2 बजे जैसा कि बताया था। तो हमने कहा आप लोग को व्यू दिखाते हैं भाई, गोमती में देखो बाढ़ आ गई है एकदम, मतलब वापस से जा रहे हैं अभी, बंधे बंधे जाएंगे पक्का पुल होते हुए बांधा रोड होते हुए, और ये सामने का नज़ारा देखो भाई, पूरा बाढ़ आ गई है गोमती रिवर में, और ये सामने शायद पंपिंग स्टेशन का कुछ सिस्टम है जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, एक नंबर भाई, सीन चेक करो भाई।
और इधर भैंस वालों ने अपने तवेले भी जमा कर रखे हैं, ये सब अवैध हैं। और ये अपने उस्ताद जी चल रहे हैं डुगुर मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा अभी कंडीशन ख़राब है। आप लोग देख सकते हो आगे बम्बा घर पड़ेगा, पक्का पुल पड़ेगा। तो हम ठीक है दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से सीधा गल्ला मंडी के लिए। सीतापुर रोड वाली जो गल्ला मंडी है हमारे लखनऊ में, वो सबसे बड़ी गल्ला मंडी है, मतलब वहाँ पे काम बढ़िया निकलता है। तो वहीं जा रहे हैं अभी, इंशाल्लाह वहाँ से लोडिंग मिलेगी। तो भाई ये आ गई अपनी मंडी, भाई नवीन मंडी स्थल है। भाई देखो ये सब बाहर फल फ्रूट सब कुछ बिक रहा है, देख रहे हो भाई। अब जो है भाई इसी के अंदर कहीं लगा लेते हैं गाड़ी साइड देख के। और ये देखिए पूरा व्यू चेक करिए भाई, बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। थोड़ा आगे बढ़ाइए भाई, भाई हमारे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये सामने जो है सब माल मटेरियल उतर रहा है अपना। तो दोस्तों यार हम फाइनली जो है भाई पहुंच गए हैदरगढ़ के थोड़ा आगे, क्योंकि यार थोड़ा टाइम नहीं मिला था। वहां गल्ला मंडी गए थे ना सीतापुर रोड वाली, वहां पे थोड़ा एक भाड़ा मारा था, फिर उसके बाद दुबग्गा चले गए। दुबग्गा से जो है भैंस लेके आ गए। और देखो नए नए में ये होता है मोटर मालिक का फ़ायदा कि हम नए थे तो यार हमारा डाला थोड़ा इधर से दब गया है, मतलब भैंस जो इतनी वजन थी चढ़ी ना तो हमारा पूरा डाला ये यार टेढ़ा हो गया इधर से पूरा, देख रहे हो आप लोग। तो पूरा डाला जो हमारा टेढ़ा हो गया, पूरा गंदा हो गया। तो अभी इसे साफ कर लेते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सामने अड्डी, यहीं पे भैंस उतरी है। तो ठीक है साफ सुथरा कर लेते हैं, मिलते हैं ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम वापस लखनऊ की तरफ जा रहे हैं घर की तरफ। और हमारे उस्ताद जी हमारे भाई देखिए कितने गोरे दिख रहे हैं और अभी गाड़ी खींचने में लगे हैं, मतलब समझ लिए सबसे ज्यादा भाई ने गाड़ी चलाई, हमने कुछ चलाई ही नहीं है ये समझ लीजिए आप लोग। और भाई अपना काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो भाई के लिए एक लाइक कर देना। और ये देख रहे हो एकदम सुनसान रोड हो रहा है यार सुल्तानपुर, समझ रहे हो भाई। तो दोस्तों हम लोग ने जो भैंस लादी थी ना उसने हमारा पूरा डाला पिचका के रख दिया, तो अभी हम लोग उसको कल रिपेयर कराएंगे। और भैंस वैस भैया सोच समझ के ला दिएगा आप लोग जो नए भाई हैं हमारे, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ की जानकारी नहीं होती है जैसे हमको नहीं थी। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं यहाँ से और ये देखो एकदम सुनसान है, ये समझ लो एकदम मतलब अंधेरी रातों में निकल पड़े हैं। तो ठीक है दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और जो अभी घर वापस जा रहे हैं। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।